वेलकम बैक गाइस। तो कोई मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि ऐसा हैक इंजेक्टर मांगे थे कि भाई जिसमें मैच बुलेट का सिस्टम हो, भाई हम बंदे के मतलब कितना भी दूर पे मारे और हमारा है मतलब शॉट जाना चाहिए, मतलब हमारा एम जाना चाहिए, भाई मैजिक बुलेट वाला इंजेक्टर लेके आओ। तो वैसे आप लोगों की डिमांड, सबसे पहले तो इस वाले इंजेक्टर को अप्लाई करने के बाद आपके सामने कितना भी स्कोर आ जाएगा, कितना भी बड़ा स्कोर आ जाएगा, 5 स्कोर आ जाएगा, 10 स्कोर आ जाएगा, आप उसको इजिली अकेले मार के रख दोगे, इतना तगड़ा खतरनाक इंजेक्टर है। जैसा कि आपको पता है कि मैजिक बुलेट ऐसा होता है कि मतलब बंदा किधर भी छिपा हो, वाल के पीछे छिपा हो, दीवार के पीछे हो, घर के अंदर हो, तो उसको बाहर से भी अपन मार सकते हैं, ऐसा तगड़ा खतरनाक होता है मैजिक बुलेट। तो इसको एंटी बैन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 100% एंटी ब्लैकलिस्ट है। तो गाइस एंटी बैन भी है, लेकिन इतने सारे मतलब यूजर्स हैं, 1000-2000 बंदे एक साथ यूज करेंगे तो गाइस आईडी बैन सस्पेंड हो सकता है। तो गाइस मैन अकाउंट भी लगा के मत खेलना, साइड अकाउंट भी यूज करना। 100% एंटी ब्लैकलिस्ट इंजेक्टर है, एकदम पेड वर्जन का इंजेक्टर है, जो कि गाइस मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूं। हां, और गाइस ये मतलब फ्री फायर में वर्किंग करेगा, फ्री फायर मैक्स में वर्किंग नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस देखो, अगर आपके पास पहले से फ्री फायर है तो उसमें ही वर्किंग कर जाएगा, कोई भी मैं आपको अलग से वाला मतलब बाईपास वाला फ्री फायर डाउनलोड नहीं करा रहा। आपने चाहे किधर से भी वो फ्री फायर डाउनलोड किया हो उसमें वर्किंग कर जाएगा। तो सबसे पहले मेरे इंजेक्टर को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे कि मेरे इंजेक्टर को इंस्टॉल करके ओपन करोगे, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड हमारा चैनल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, वरना आपके डिवाइस में बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करेगा। ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम कर लेना है। ये काम करने के बाद इंजेक्टर पे आना है, इंजेक्टर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप करके मत देखना वरना आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। फिर गाइस लॉग इन करना है, स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है, फिर हमारे चैनल का एक छोटा सा लोगो बन के निकलेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, छोटा सा लोगो बन के निकला है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से सारे स्विच को ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे कि जब सारे स्विच को ऑन कर दोगे तो इंजेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर गाइस देखो, ये एम टी मैनेजर करके लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से एम टी मैनेजर इंस्टॉल कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास नहीं है तो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करोगे तो गाइस सबसे पहले इसको ओपन करना है, इसी से सेटअप होगा। तो गाइस ओपन करोगे तो गाइस देखो आपको राइट साइड पे एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करोगे, ओबीबी के ऊपर क्लिक करना है, ओबीबी के ऊपर क्लिक करोगे फ्री फायर के एक फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, अंदर आपको फ्री फायर का मेन फाइल मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करोगे तो देखो ये अर्चीवर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से अर्चीवर कर लेना है। यहाँ से काम खत्म। फिर मेरे इंजेक्टर को ढूंढना है जो अभी डाउनलोड किए हो, उस इंजेक्टर को ढूंढने के बाद इसके ऊपर टैप करना है। टैप करोगे तो गाइस देखो ये व्यू लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, एसएस का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, अंदर आपको मतलब एक फुक वाला फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, वीआईपी हैकर वाला फोल्डर मिलेगा, इसके भी ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस आपसे पूछा जाएगा कि आपका डिवाइस 32 बिट का है, 64 बिट का है, जितना भी बिट का हो तो उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस देखो अंदर आपको मतलब एसएस का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर लॉन्ग टैप करके ऐड कर देना है। तो गाइस अभी तक पूरा सेटअप नहीं हुआ है, देखो गाइस अभी तक मतलब एक ओवर बचा है। तो गाइस देखो ये एसएस के मतलब नीचे जो आपको फोल्डर दिख रहा है ना, एमईटीए, इसके ऊपर क्लिक की, इसके ऊपर भी लॉन्ग टैप करके रखना है और इसको भी ऐड कर देना है, ठीक है गाइस। फिर आपके डिवाइस में 100% वर्किंग कर जाएगा, लेकिन सेटअप ऐसा का ऐसा करना है। हाँ, अगर गाइस आप भी फटाफट से सब्सक्राइबर इंक्रीज करना चाहते हो तो गाइस आप यूज कर सकते हो ये वाला सब टू अनलॉक। तो गाइस इसमें एड्स वगैरह कुछ भी नहीं आता है, जिससे गाइस आपका सब्सक्राइबर माइनस नहीं होगा। तो गाइस इसका जो लिंक रहेगा मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना है।